पर उसके परिवार के बारे में बोलने का तुम्हें हक नहीं। लेकिन वो अपनी मर्जी से बात करती है ना? क्या छोटे बच्चों की तरह एक ही बात की रट लगाए बैठे हो? क्या हुआ विनय, यहाँ क्यों खड़े हो? बस ऐसे ही। अच्छा, कल रात को तुम दोनों के बीच कोई झगड़ा हुआ क्या? तुम हॉल में सो रहे थे। बताओ ना जल्दी क्या हुआ है। हमेशा की तरह झगड़ा ही हुआ है। उसके भाई गणेश के मैरिज गिफ्ट के लिए वो मुझसे 3,000 मांग रही थी। तो गलत क्या है, दे दो ना पैसे। भाभी मैंने मना नहीं किया है, आप घर में बड़ी हो तो आपसे पूछ कर करेंगे, इतना ही बोला, इसमें क्या गलत है? गलत ही है। क्या बोल रही हो भाभी? सुन, वो अपने भाई के लिए कुछ कर रही है, इसमें मुझसे क्यों पूछना? भाभी मैं आपसे परमिशन मांगने के लिए नहीं कह रहा, लेकिन एक मर्यादा के लिए आपसे पूछने के लिए बोला, वो भी गलत है क्या? तुम अपनी जगह ठीक हो विनय, पर उसे मेरे बारे में नहीं पता है ना। साथ रहेगी तो पता चलेगा ना, दूर रह के कैसे समझेगी? देखो विनय, हर बात में तुम्हारा मुझसे पूछना उसे अच्छा नहीं लगेगा। ठीक है, तो मुझसे भी क्यों पूछ रही है, अपनी मर्जी से करने दो ना। तुम उसके पति हो, उसका जो तुम पर हक है वो और किसी पर नहीं है। भाभी उसका परिवार ही ठीक नहीं है, उसकी जो बड़ी बहन है ना दुर्गा, एक राक्षसनी है, पति को अपने वश में रखा है, दूसरी बहन बगल के घर में रहती है, वहाँ भी औरत का ही राज चलता है, पापा और बेटा सुबह होते ही आनंद भवन चले जाते हैं, उसके बाद तो उनका ही राज चलता है। ये गलत है विनय, संगीता तुम्हारी पत्नी है, वो गलत है या सही सब तुम उससे कह सकते हो, पर उसके परिवार के बारे में बोलने का तुम्हें हक नहीं। लेकिन वो अपनी मर्जी से बात करती है ना। क्या छोटे बच्चों की तरह एक ही बात की रट लगाए बैठे हो? पहले तो उसने जो पैसे मांगे हैं उसे देकर भेजो, शादी से 2 दिन पहले उनके घर पर जाओ और जो उन्हें मदद चाहिए वो करो, मुझे इस सब में शामिल मत करो, और जाओ पहले जाके नहा लो। मैं जाओ ना, जो कहे करो। मेरा भाई गणेश आया है। ठीक है चलो। आओ गणेश। पास में थोड़ा काम था तो सोचा मिलते चलूं। अपनी बहन को ले जाने आए हो क्या? नहीं नहीं, ऐसी कोई भी बात नहीं है, मैं तो भाभी जी से मिलने के लिए आया था। मेरी भाभी से? जी हाँ। आओ समधि जी। ये मर्यादा छोड़िए भाभी जी, मुझे नाम से ही बुलाया करिए। ठीक है गणेश। संगीता की शादी में इधर रंगोली बहुत अच्छी थी भाभी जी, आपने बनाई थी बाद में पता चला, ऐसी रंगोली मेरी शादी में भी बना दीजिएगा। रंगोली बस लड़की वाले बनाते हैं। इसमें गलत क्या है, अगर किसी को अच्छा काम आता है तो उसे करना चाहिए ना। आएंगी ना आप? मेरी भाभी जी जरूर आएंगी, ये मेरी गारंटी है। हंसकर प्यार दिखाना कुछ लोगों को ही आता है, उसमें आप माहिर हैं भाभी जी। मेरी 5 बहनें हैं पर भाभी नहीं है, इसलिए मुझे थोड़ा दुख होता है, पर अब ऐसा नहीं है भाभी जी। मेरे जैसा सोचने वाला कोई आएगा, मैंने सोचा ही नहीं था। ठीक है भाभी जी, मैं चलता हूं। रुको गणेश, कॉफी पीकर जाना। नहीं भाभी जी, फिर कभी।